पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए में एक महीने में बनिए एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर मेरे साथ। रुक जाइए, फ्री है, सीरीज बाई सीरीज आ रहा है, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। मैं आपका दोस्त शिवम शुक्ला। इस टॉपिक को कवर करना मेरा एक मकसद सा बन गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर जगह वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं लेकिन एक प्राइस कोट करके। उन लोगों का क्या जो प्राइस नहीं दे पाएंगे? क्या वो नहीं सीख सकते हैं? कोई टेंशन नहीं, मैं आपका दोस्त यहाँ पे हूँ। और जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसलिए आगे की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आने से पहले कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। ये पब्लिक स्पीकिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? आपके लाइफ के हर कदम पे, हर मोड़ पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? आप अपने दोस्तों के बीच बात कर रहे हो, ऑफिस में बात कर रहे हो, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कहीं स्टेज पे हो, कहीं भी आप जो बात करते हो, जनता के बीच में जो बात करते हो, उसको बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। तो फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जॉब या बिजनेस को लेकर के जो रिसर्च के थ्रू है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। पहला फैक्ट ये कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, आपका जो स्पीकिंग क्वालिटी स्टाइल है, आपकी स्टाइल जो है, उसी के ऊपर एक 10% का रिडक्शन हो जाता है सैलरी में। जो आप इंटरव्यू देते हो, आपके बात करने के तरीके और पर्सनालिटी के वजह से ये 10% की सैलरी की गिरावट आ जाती है। ये ऐसे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंपनीज में ये रिसर्च किया गया और ये फैक्ट है। दूसरा क्या है, 15% चांसेस आपके कम हो जाते हैं मैनेजमेंट लेवल में पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट लेवल में पहुंचने का मतलब है आप एक एक्सपर्ट स्पीकर या पब्लिक स्पीकर हो। बढ़िया, आप लोग, आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए। आपके नीचे 50 एम्प्लॉयज़ होंगे, 500 एम्प्लॉयज़ होंगे, 5,000 एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको मैनेज करना है। तो आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको कौन प्रमोट करेगा? कोई नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको एक अपने करियर में भी आगे जाना। आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, आपको वेंडर्स से बात करना होगा, आपको कस्टमर से बात करना होगा, तो क्वालिटी हर जगह पब्लिक स्पीकिंग है। आप जहाँ देखो वहाँ पब्लिक स्पीकिंग। तीसरा फैक्ट, आप लोग ये जान करके थोड़ा अचंबा होगा, जिनको नहीं पता हो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, कि 7% जो हम लोग स्पीक करते हैं, जो हम लोग टॉक देते हैं, जो मैं अभी दे रहा हूँ, सिर्फ 7% कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब, अब मैं कुछ तो प्रिपेयर किया होगा कि मैं पहले ये बोलूँगा, सेकेंड फिर ये बोलूँगा, मैं ये लाइन नेक्स्ट बोलने वाला हूँ, इसको बोलते हैं कंटेंट। तो इसका रोल सिर्फ 7% है, तो बाकी 38% आता है आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर मैं चाहता हूँ आप लोगों का अटेंशन लो, अब आप लोग बोर हो गए हो तो मेरी तरफ देखिए, या फिर मैं कुछ उदास सी चीज बोल रहा हूँ, बहुत डीप बोल रहा हूँ, कुछ इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ, तो मैं कुछ समय के लिए चुप हो गया। सोचने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को। वॉइस मॉड्यूलेशन आपका 38% प्ले करता है रोल यहाँ पे। फिर बाकी 55% आपका नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल मतलब आपका लुक, आपका ड्रेसिंग सेंस, आई कांटेक्ट, कैसे लोगों को देख रहे हो, आप बात इधर कर रहे हो, पब्लिक आपकी सामने बैठी है, आप ऊपर देख रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं। कॉन्फिडेंस लाना है आपके बॉडी में, वो इफेक्ट होना चाहिए कि आप कुछ बोल रहे हो, दमदार इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। तो ये तीन जो आप लोगों को मैंने पॉइंट बताया, ये सारे चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखना है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको भी लोगों से बात करना है, ऑफिस में हो तो आपको अपने कलीग से बात करना है, ग्रोथ हर जगह चाहिए, फ्रेंड्स में हो तो डिबेट जीतना है, घर में हो तो बीवी से जीतना है, तो ये क्वालिटी आपको हर जगह चाहिए। तो मैं जैसे हर टाइम अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, इससे भी रिलेटेड एक स्टोरी है कि मैं स्कूल में था और
टीचर बोलते हैं, शिवम शुक्ला प्लीज कम ऑन स्टेज एंड डिलीवर योर स्पीच ऑन सो एंड सो टॉपिक। अब मेरे अंदर डर कि मैं क्या बोलूं, अरे यार मेरे को स्टेज पे बुला लिया, क्या बोलूं। अब स्टेज पे गया, वहां पे हाथ पांव कांप रहे हैं, वहां लोग हंसे जा रहे हैं और मेरी फटी जा रही है कि यार बोलूं क्या। मैं ब्लैंक, एकदम दिमाग एकदम ब्लैंक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। होता है, आप सबके साथ भी हुआ होगा। फिर वहां से मैं जब धीरे धीरे डेवलप हुआ, उस समय गूगल थे नहीं, एंड्रॉयड या स्मार्ट मोबाइल नहीं था, रिसर्च कर नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे लाइफ में हर स्टेज पे कुछ ना कुछ चेंज होता गया, नया एक्सपीरियंस जुड़ता गया। और फाइनली जब मैं कॉलेज में आया, या बोल सकते हैं धीरे धीरे जब मोबाइल का ज़माना आया, गूगल एक कॉमन हो गया सबके लिए, और कॉलेज में आकर के मैंने टोस्टमास्टर इंटरनेशनल ज्वाइन किया, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा और आ गया पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के। तो जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं, मतलब पैदा होते ये टैलेंट नहीं है आपके अंदर, ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं, खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो रिसर्च में ये पता चला कि जो जो चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ वही सेम चीज़ थ्योरी में है। तो मतलब मैं पढ़ने से पहले वो एक्सपीरियंस कर लिया। तो मैं चाहता था आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दें और इसके ऊपर वीडियो बनाने का स्टार्ट करेंगे। आपको हर वीक ट्राई करूँगा, एक एक वीडियो बनाओ जिसके ऊपर एक एक टॉपिक कवर होगा, टिप्स देंगे कैसे पब्लिक स्पीकिंग होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे, कब बोले, कहाँ बोले, कितना बोले, हर चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।